देखा लाइन दे रही है। बहुत जल्दी कट भी जाएगी, इसके चक्कर में तू बिक जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा है? बेटा जरा ध्यान से देख, बहुत हाई मेंटेनेंस है। जितने का इसका ड्रेस है ना, उतने में तेरा 6 महीने का राशन आ जाएगा। मेरा नाम अनु है, 9884225220। ये मेरा पर्सनल नंबर है, अपने मोबाइल से एक मिस्ड कॉल दो ना। नमस्कार, अब आप समाचार सुनिए क्यू रामशंकर से। आज के मुख्य समाचार, भारत के प्रधानमंत्री 5 दिनों की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। अरे संभाल, इधर इधर इधर, अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़। रुको ना माँ, तू भी अपने बाप की तरह पीछे ही रह जाएगा, और तेज भगा। अरे सुनती हो, कुरियर वाले को देखो भाई। तुम जाके देखो ना, सोफा गर्म कर रहे हो। घर में तो ढंग से बात किया करो, ऐसा लग रहा है न्यूज ही पढ़ रहे हो। तुमसे अच्छा तो किसी मूंगफली वाले से शादी कर लेती, जाओ खुद ही लेकर आओ। गौतम रामकृष्ण मेरा बेटा है। थैंक यू सर। टर्न टर्न टर्न, इस तरफ इस तरफ। किसका कुरियर आया है? तुम्हें जिस घड़ी का इंतजार था, बीबीसी चैनल से तुम्हारे बेटे का इंटरव्यू लेटर आया है। निकल पड़ी। पढ़ना पढ़, तू सच में मेरी औलाद है। क्या कर रही हो? चुपचाप खड़े रहो। 1000, 1500, 2000। चुप रहो, तू जा दोस्तों के साथ पार्टी करके आ। जा। hey, रुक जा। यहाँ तमाशा हो रहा है? है? तुम्हारे बेटे को सिर्फ इंटरव्यू का कॉल आया है, ऐसे नाच रहे हो जैसे नौकरी मिल गई है। नहीं मिली तो मिल जाएगी, तू जा रहे। तुम बस करो, ये कोई नई बात नहीं है। बीबीसी में ऑलरेडी 2 इंटरव्यू दे चुका है, क्या हुआ? दोनों पायदान पर इसे इंटरव्यू में फेल कर दिया है। 3 नंबर हमारी फैमिली का लकी नंबर है, याद है तुम्हें? 2 बार मैंने रिजेक्ट किया था और 3री बार पास किया था, इसीलिए तो इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। अरे तू चाहलो जैसी बातें क्यों कर रही है? इसने पढ़ाई क्या है? अन्ना यूनिवर्सिटी से बीई कंप्यूटर साइंस, वो भी 82%। 13 डिग्री सर्टिफिकेट दीवार पर सिर्फ और सिर्फ एक शोपीस बनकर लटका है। इसके दोस्त इतना कमाते हैं कि उनके पिता घूमने लंदन जाते हैं, और इसका बाप कभी पांडिचेरी भी नहीं गया। ए इधर आ। अरे कहाँ जा रहे? इस फोटो वाले को जानता है? मेरे दादा परदेशी, मेरे यारा अखबार के जाने माने रिपोर्टर। क्या तीर मारा? बिना कमान के मारा। अब पेश है मेरे पापा, तुम्हारे दादा ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में 13 साल तक न्यूज रीडर थे। उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा। और अब तेरे बाप, मैंने भी तेरे पुरखों की नाकामयाबी को जिंदा रखा है, और अब बेटा भी जिंदा रखेगा। सही कहा तुमने, ये भी जिंदा रखेगा। बेटे अब तुझे मैं क्या बताऊं, सारी तनख्वाह लोन चुकाने में चली जाती है। इसे कहो कोई ढंग का काम कर ले, कोई अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ले, कम से कम 50,000 महीना कमा लेगा। मैं चाहता हूँ ये अपने सुन बेटा। ए ए ए, मैं तेरे लिए गला फाड़ रहा हूँ, तुझे चिट्ठी की पड़ी है, बीबीसी गया भाड़ में। ये बीबीसी तेरा बेड़ा गर्क करा देगा, लिख के रख ले। रोक लीजिए उसे, देखिए तेरा बाप तेरे को फुल खर्चा पानी देता है। तू चल अपना काम। अरे बेटा एक हेल्प चाहिए थी, वो जो टीवी पर समाचार पढ़ते हैं ना, क्यू रामशंकर, क्या तुम उनके घर का पता जानते हो? ये बुढ़ा भी हटेला लगता है। मुझे नहीं मालूम। अरे अरे सुनो तो, मैं उनके घर पे सालों पहले एक बार आ चुका हूँ, इतना तो जानता हूँ कि वो यहीं कहीं है, पर वो याददाश्त कमजोर हो गई है इसलिए याद नहीं। अरे वो तोते की चोंच जैसी नाक वाले, तुम्हारी नाक भी वैसी ही है। यही घर है उनका। ओह थैंक यू। अच्छा सुनिए, कैसे बताऊं, 1 हफ्ते पहले वो अपनी पड़ोसन को प्रेग्नेंट करके बीवी के साथ भाग गए। इस उम्र में? किसी को बताना मत, आप उसे जानते हैं। लड़की वाले छोरा लेके उसके दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, समझे ना? चल बाय अंकल। रामशंकर न्यूज पढ़ते पढ़ते तू खुद न्यूज में आ गया। अरे अरे मेरा बेटा है, खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे कम वोल्टेज में तुम भी कम रोशन नहीं कर रहे। यार आज कोई ताजा न्यूज नहीं है, तो एक काम करते हैं, कल वाली न्यूज आज भी चला देते हैं। हेलो, थोड़ा सा हाय जानू, तुमने मेरी रात की नींद
चुरा ली। चोर हो तुम जानो, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम अभी तो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। अकेले बुला रही है? हेलो जानो, कब हुआ ये सब? वो कल रात को बातों बातों में क्या हो गया? कहाँ हो? हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? और कहाँ होगा, स्टूडियो में हूँ। बीबीसी के ऑफिस में हो क्या? तुम अपने पर्सनल कैबिन में बैठे हो ना? यू आर सो लकी जानू। बहुत लकी हूँ। अच्छा बताओ कहाँ मिलना है? बताती हूँ, पर तुम्हें मुझे पिकअप करना होगा। एक सेकंड होल्ड करना, आरटीओ वाला खड़ा है। क्या बोल रही है बा? मिलने के लिए बुला रही है अकेले में। मैं भी साथ चलूं क्या? हे हेलो। हाँ हेलो, तुमने बताया नहीं कहाँ से पिक करूं? मैं एक छोटे से चैनल के ऑफिस में हूँ, तुम ढूंढ पाओगे क्या? तुम बस जगह बताओ, पिज्जा डिलीवरी से भी फास्ट आऊंगा। चैनल का नाम है स्काई टीवी। अच्छा स्काई टीवी, अरे अपना स्काई। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? इस वक्त तुम कहाँ पर हो? बताया तो था तुम्हें, स्काई टीवी के ऑफिस में हूँ। हेलो 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 गौतम, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, मतलब वहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैंने एज अ रिपोर्टर ज्वाइन किया है। ऑफिस बॉय पार्थ है। चैनल के सीईओ मिस्टर मदन से मिलना है। मीटिंग में आपको नहीं मिलेंगे। हेलो, अनु का नाम लेना हिल जाएंगे। नहीं बोलूंगा, आप मालानी हो क्या? अरे मैंने बोला ना, मेरे शेर भगा दे उसको यहाँ से। एक काम करो, हमारे चीफ रिपोर्टर से मिल लो, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। अरे यार ये तो सीधा मेरे पास ही लेकर आ रहा है, चल भाग। ए चीफ रिपोर्टर किधर है? वहाँ फोकट रूम। ओ फोकट रूम में बैठा है, आओ बेन। अबे क्या कर रहा, चल। ये ऐसे क्यों चल रहा है? तू अपना काम करना। ये लोग ऐसे ही हैं, नहीं सुधरेंगे। ए बहन, चीफ रिपोर्टर किधर है? ये बहन को मिलाने के लिए ऑफिस में घोड़ा घोड़ा खेल रहे हो क्या? चुप, मैं तो गधा बना दूंगा। थैंक यू बहन। मेल आए तो फीमेल कर देना। हेलो अनु, इतनी देर क्यों? यहाँ वहाँ भटका रहा था ये तोता। मीटिंग में थे ना बहन। ठीक है मेरे पीछे आ जा, आ जा। मम्मी बत्ती गई। इससे पहले कि वो हमें देख ले, निकलते हैं यहाँ से। बाप रे, भगवान बचा ले, महारानी का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तुम तो 4:58 में पहुँच गए। अरे इतना भी टाइम का पंक्चुअल नहीं होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें यहाँ के सीईओ से मिलवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे चलो ना। आज मंडे को मैं किसी से नहीं मिलता। भाई लोग, एक बार फिर से मुझे आप लोगों को हैप्पी न्यूज सुनानी है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम्हें हाथ बटाने के लिए साथी चाहिए था ना, तो आज से तुम्हें ज्वाइन कर रही है मिस अनु। सरप्राइज ये है कि मिस अनु यहाँ फोकट में काम करेंगी, क्योंकि ये कोई और नहीं है बल्कि मेरी बेटी है। उसकी बेटी। थैंक यू पा, ताली बजाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों को किसी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। गौतम, ये गौतम तेरे को बहन बुला ली है। हे गौतम, गौतम क्या कर रहे हो? वो तुम्हें बुला रही है। भगवान तुम्हारा भला करे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ जाओ। ये भी हमारी ही तरह एक खबरी लाल है, बस ये थोड़े बड़े चैनल में काम करते हैं, बीबीसी में काम करते हैं। ये अब हमें न्यूज की ABCD सिखाएंगे। ये मेरी ही बेटी है, मुझे खुद पे ही शक है। वाओ, और साथ में हमें ये टिप्स देंगे कि एक अच्छा रिपोर्टर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मिस्टर गौतम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये बेवकूफ तो पहले से थी, इसने इसे उल्लू भी बना दिया रे। लगता है बिन पागल हो गई है। अरे इतना सन्नाटा क्यों है पा, क्या बात है बताइए। अरे आप हंस रहे हैं। तू यहाँ? अरे बेटी, ये उल्लू का पट्टा पिछले 2 साल से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, क्योंकि इसे कुछ भी आता जाता नहीं। अब ये हमें काम सिखाएगा क्या? चुप कर।
तुमने इसे मारा क्यों? आप चुप रहिए पा। ए, तुमने बीबीसी बीबीसी कहकर मुझे बुद्धू बनाया। अनु अनु मेरी बात तो सुनो। पहली नजर में तुम भाग गई, इसलिए मुंह से झूठ निकला। सॉरी सर। तुमने बीबीसी बीबीसी कहकर मुझे बुद्धू बनाया। रिपोर्टर के नाम पर तुम एक कलंक हो। छी। तुम बीबीसी में काम कर सको ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है तुम में। ये बीबीसी तेरा बेड़ा गर्क करा देगा, लिख के रख ले। बीबीसी में जाना अब मेरा सपना ही नहीं, मेरी जिद है, मेरा जुनून है। हमारे खानदान में कोई भी कामयाब जर्नलिस्ट कभी नहीं बन पाया, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा। पर दादा का बाप का सबका बदला लूंगा बीबीसी ज्वाइन करके। साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े करूंगा। अपने उसूलों के खिलाफ भी जाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। इस बार तो चित भी मेरी और पट भी मेरा। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। मिस्टर गौतम, अगर आपको बहुत ही उलझा हुआ केस सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो उस केस को होशियारी से सॉल्व करके आप जनता के सामने कैसे पेश करेंगे? मिस्टर गौतम, हमारे पास आपके लिए एक केस है। ये केस एक लड़की का है जिसका नाम है आयरीन। वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के 8th फ्लोर से गिर के मर गई। दरवाजा अंदर से लॉक था। सिक्योरिटी कैमरा में भी किसी के अंदर आने का कोई सबूत नहीं मिला। तुमको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि ये सुइसाइड था या मर्डर, एंड एज अ जर्नलिस्ट तुम ये इन्फॉर्मेशन सेंसेशनल वे में कैसे प्रेजेंट करोगे? सर मैं समझा नहीं, एक बार फिर से। फिर से का क्या मतलब? एक बार में बात समझ में नहीं आई क्या तुम्हें? यहाँ पे YouTube चल रहा है क्या जिसे रिवाइंड करके देख सको? अब जरा ध्यान से सुनो। आयरीन नाम की लड़की 8वें माले से गिर के मर गई। मेन डोर अंदर से बंद था। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से हमें कोई सुराग नहीं मिला। एज ए जर्नलिस्ट तुम ही बताओ ये सुसाइड है या मर्डर, और इस केस को तुम कैसे सनसनीखेज बनाओगे? सर मुझे नहीं लगता है कुछ कर पाएगा। ये बेकार में हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। जिसे देखो माइक पकड़ के जर्नलिस्ट बन जाता है। इसे काम पे रखिए। ऊंची इमारत की 8वीं मंजिल से आयरीन नाम की लड़की ने कूद के जान दे दी। पुलिस की तहकीकात बता रही है कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन हमारे पास जो सबूत हैं वो कत्ल की तरफ इशारा करते हैं। आपने शायद देखा नहीं कि लाश के पैर पर नेल पॉलिश है, पर दाएं पैर की नेल पॉलिश अब तक सूखी भी नहीं है, यानी उसने मरने से कुछ देर पहले ही लगाया होगा। लेकिन बाएं पैर की आखिरी दो उंगलियों पर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं है। साथ ही देखिए टेबल पर नेल पॉलिश वैसी की वैसी खुली पड़ी है। अगर कोई सच में खुदकुशी करना चाहेगा तो पैरों पे नेल पॉलिश लगा के थोड़ी कूदेगा। तहकीकात ये बता रही है कि लड़की घर में बिल्कुल अकेली थी, उससे कोई मिलने नहीं आया था, लेकिन टेबल पर 2 कप पड़े हैं। इसका मतलब कि कोई ना कोई उसके पास आया था और उसने बैठ के उसके साथ चाय भी पी थी। अगर आप गौर करेंगे तो दरवाजा अंदर से लॉक दिखेगा। इसका मतलब साफ है कि जो आया था वो सिर्फ दोस्त नहीं था, बल्कि दोस्त से भी बढ़कर था। सिक्योरिटी कैमरा में जो भी रिकॉर्ड हुआ था वो सब मिटा दिया गया, जिससे साफ है कि कातिल बहुत शातिर है। इसलिए मेरे हिसाब से दूर दूर तक ये कोई खुदकुशी नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। मैं आर गौतम और आप देख रहे हैं बीबीसी न्यूज। शक्ल देख के अक्ल का अंदाजा लगाना अक्लमंदी नहीं है। Wow, hey, very good. I'm impressed. बहुत बढ़िया केस सॉल्व किया लड़के ने। हाँ, well done, young man. शक्ल, thank you, sir. तुम्हारी वजह से हमारा चैनल लोगों की नजर में आ गया। अगर बीबीसी वाला पूछता है कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट कहाँ से आया तो हमारे चैनल का नाम। सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था। अरे नहीं नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। कभी कभी हमारे चैनल में आओगे ना? बिल्कुल भी नहीं, पर क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। और बता, पार्टी कब दे रहा है तू? बाय, अभी ढाबे पे पार्टी चाहिए? अरे हाँ, जब चाहे ले लो। ये क्या बोला? मैं ले लूँ जब चाहे लो। असल में साथ में तैयार करो। ये छोड़ क्यों नहीं रही? लगता है इसके दिल में कुछ है। ये मुझे लाइन दे रही है, पर मैं इसे रिस्पेक्ट दूंगा। अरे मुझे घूर क्यों रही हो? तुम्हारी आंखें गहरे सागर की तरह हैं। अच्छा, जिसमें मैं डुबकी लगाना चाहती हूँ। तुम्हारी नाक ऐसी है जैसे कोई लंबा रास्ता हो। शर्म आ गई। तुम्हें देख के मेरे तन बदन में आग लगती है।
इस आग को कब बुझाओगे? दिखने में तो लंगूर जैसे हो, लेकिन हो मेरे हीरो। वैसे इतिहास गवाह है, लंगूर के हाथ ही अंगूर लगता है। साबित करो। ठीक है, तुमने अक्सर देखा होगा कि खूबसूरत लड़कियों के साथ एवरेज टाइप के लड़के घूमते हैं। सिर्फ एक संडे का सब्र और कर लेना तो उससे अच्छे लड़के मिल सकते हैं। तो हुआ ना लंगूर के हाथ अंगूर। हाँ ये तो है, और कैसे? मेरा बीबीसी का झूठ सुनते ही मेरी झोली में आकर गिर गई। एक बार क्रॉस चेक तो करती FB पे, लिंक्डइन पे, पर तुम लालच में आ गई। इसलिए लालच की बुनियाद पर बने हुए रिश्तों में मिठास कभी नहीं आती। हाँ ये बात तो है, तो हमारे बीच क्या है? वही जो वीर जारा के बीच था। जरा खुल के बताओ। लाफ। Oh!